नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आईफोन 6s का जो कैमरा है वो 2021 के लिए बढ़िया है, क्या सही रहेगा, क्या बिल्कुल भी थोड़ा सा सही है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा आईफोन 6s से कैमरा से रिगार्डिंग। सो वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन 6s से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए, मेरी इंस्टा यूज़र आईडी है dpk397। सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये आईफोन 6s 2015 में आया था, आज 2021 है, 6 साल गाइस अभी कंप्लीट होने वाले हैं। तो 6 साल अब कंप्लीट होने वाले हैं, और आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं उनका जो ज़्यादातर फोकस रहता है वो कैमरा को लेकर होता है। और गाइस, बात करूँ अगर इस फ़ोन की प्राइस की, अगर आप नया मार्केट में लोगे जाके तो वैसे तो मिलेगा नहीं, अगर आपको ये कहीं मिल भी जा रहा है तो करीब 20-22 हज़ार से कम नहीं मिलेगा नया, 32 GB स्टोरेज के साथ में। तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर इसका हम बात करें कि कैमरा कैसा है गाइज, इसका जो फ्रंट कैमरा है जो वो है 5 MP का, अगर वहाँ से आप सेल्फी वगैरह लेते हो तो फ़ोटो की जो क्वालिटी है बहुत ही बेकार आती है, सच में कह रहा हूँ। अगर आप इंडोर में घर में बैठे वहाँ पर अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी नहीं आती, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसमें एक जो ट्रिक, एक ये फ़िल्टर होता है गाइज यहाँ पर, ये वाला, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर होता है जो सेकंड नंबर का है विविड, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये फ़िल्टर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो फ़ोटो की क्वालिटी वो थोड़ी बेटर हो जाती है। एक बात और बता दूँ, जो 5 MP का कैमरा है वो एंड्रॉयड के जो आजकल 10-12 हज़ार के फ़ोन आ रहे हैं उनके 10-12 MP से बेटर है इसका कैमरा। लेकिन हम बात करें अगर इसके रियर कैमरे की, तो रियर कैमरे से जब आप फ़ोटो खींचते हो या फिर वीडियो बना रहे हो इंडोर में, यहाँ पे आप 4K 30 FPS में जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन यार उसकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जब आप रूम के अंदर हो या फिर घर में हो वहाँ पे अगर वीडियो शूट कर रहे हो। लेकिन जब आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड अगर सनलाइट में, पार्क में कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, धूप है, इस समय जैसे गर्मी होती है तो लाइट जो है बाहर बहुत ज़्यादा होती है, और उस समय अगर आप इसके रियर कैमरे से वीडियो 5 मिनट की रिकॉर्ड करते हो तो उस वीडियो की जो क्वालिटी होगी गाइज बहुत बढ़िया होगी। अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है जिसका कैमरा 48 MP का है तो उसके 48 MP से जब आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करोगे और इस फ़ोन से जब आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो इस फ़ोन की क्वालिटी बेटर होगी गाइस, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो रियर कैमरा बाहर के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन हम बात करें अगर अंदर, अगर हम घर में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर मज़ा नहीं आता है गाइस, ये चीज़ मैं साफ साफ कहूँगा। यहाँ पे आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के 4-5 ऑप्शन मिल जाते हैं, 720p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS में, 1080p में HD में जो है 30 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080 HD एट 60 FPS में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और 4K वीडियो जो है आप 30 FPS में भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वीडियो बढ़िया है इसकी, अगर आप इसका जो 4K 30 FPS में बाहर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसका जो 1 मिनट का डाटा होगा वो 350 MB का होगा, यानी 350 MB की जो है 1 मिनट की वीडियो होगी। तो वीडियो की क्वालिटी आप बाहर यूज़ करोगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर अगर हम सेल्फी वगैरह की बात करें तो यार वहाँ पर इतना अच्छा ये जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है कैमरे के मामले में। और एक बात बता दूं इस फ़ोन की, जब आप बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होगे तो इसका जो ये बैक साइड है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरहीटिंग करने लगता है, और दूसरी बात जब आप कैमरा यूज़ कर रहे होगे उस वक्त इसकी जो बैटरी वो बहुत फास्ट ड्रेन होती है। अगर आपने 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है तो उस 5 मिनट में तो हो सकता है कम यूज़ हो, लेकिन अगर आप जो काट रहे हैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 मिनट, 2-4-5 मिनट, मान लिया अगर 10-15 मिनट आपने कैमरा का, रियर कैमरा का यूज़ कर लिया है बाहर, तो बैटरी जो है 10-15 मिनट में करीब 30% बैटरी आराम से इसकी जो है ख़त्म हो जाती है, 30 से ज़्यादा % ख़त्म हो सकती है। और क्योंकि बाहर रहता है तो इसका ब्राइटनेस फुल हो जाता है गाइस, अब धूप में इतना धूप होती है इस समय तो बाहर रिकॉर्ड करोगे तो जो है इसका ब्राइटनेस फुल रहता है, और यहाँ पर ओवर हीटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है और बैटरी भी बहुत ज़्यादा ख़त्म होती है। तो हम बात करेंगे सिर्फ कैमरे की क्वालिटी की, तो कैमरा क्वालिटी 2021 में ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है। अगर 20 हज़ार का कोई आप एंड्रॉयड फ़ोन खरीदोगे तो उसका रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा बहुत बढ़िया मिलेगा, चाहे आप इंडोर में शूट कर रहे हो, चाहे आप आउटडोर में शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है उस फ़ोन का कैमरा है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा। लेकिन आईफोन 6s का कैमरा इस 2021 में बढ़िया नहीं है उतना जितना इसकी प्राइस है, उस प्राइस में आप सैमसंग चले जाओ, कोई भी ब्रांड ले लो आईफोन को छोड़ के,
तो वहाँ पे आपको कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस, सब कुछ, बैटरी वगैरह सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। लेकिन इस फ़ोन में अब कुछ अच्छा नहीं रहा है कैमरे से रिगार्डिंग, इतना उतना अच्छा कैमरा नहीं रहा है। लेकिन रियर अगर आप बाहर यूज़ कर रहे हो आउटडोर में, तो वहाँ पे इसका कैमरा बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम है ओवरहीटिंग की और बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। बस कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, इंडोर भी उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया कि आईफोन 6s का रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा कैसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन 6s से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। आपको और कोई सवाल पूछना है, आपको इस और वीडियो देखना चाहते हो आईफोन 6s के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।